सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द वीडियो। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जुपिटर नोटबुक कैसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको पाइथन इंस्टॉल रखना होगा अपने कंप्यूटर के अंदर। तो पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, पाइथन विद वीएस कोड मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको देखना है उस वीडियो को तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वैसे मैं आपको एक बार सिंपली बता देता हूँ कैसे आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो। पाइथन आप सिंपली सर्च करोगे तो python.org की वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। तो आप सिंपली इस वेबसाइट को ओपन कर लेना, देन आप डाउनलोड्स पर जाओगे यहाँ। एंड अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपको सिंपली यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ रहा होगा। अगर कोई आप अदर प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो विंडोज़ और मैक को छोड़ के, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ का सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करूँगा। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो पाइथन आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके अपने पाइथन को डाउनलोड कर लोगे, तो जहाँ पर भी आप डाउनलोड करोगे उस पर डबल क्लिक करके सेटअप करना शुरू करोगे। तो मेक श्योर, मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूँ कि स्टेप ज़रूरी है। मेक श्योर कि जैसे ये विंडो आपके सामने आएगी, जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे अपने पाइथन के ऊपर, तो इस वाले ऑप्शन पे आपको चेक ज़रूर करना है। मेक श्योर कि आप इस वाले ऑप्शन पे चेक कर रहे हो ऐड पाइथन, जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन आपने डाउनलोड किया है। अभी तो पाइथन 3.10 चल रही है लेटेस्ट, तो जो भी आपने वर्जन डाउनलोड किया है वो यहाँ पे लिख कर आएगी। ऐड टू पाथ वाले ऑप्शन पे आपको चेक करके ही इंस्टॉल करना है। आप इस पे चेक करोगे एंड इस पे क्लिक करोगे इंस्टॉल नाउ पे। जैसे आप क्लिक करोगे आपकी पाइथन की इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाएगी। ऑलराइट, तो पाइथन इंस्टॉल करने की ज़्यादा कोई बड़ी स्टेप्स थी नहीं, तो मैं इस वीडियो में उस वाली चीज़ को कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है उसके ऊपर, जो मैंने उसमें वीएस कोड भी आपको डाउनलोड करना सिखाया है। तो आपको अगर वीडियो देख, मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वो लिंक डाल दूँगा उस वीडियो की। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम सीधा जंप करते हैं कि अपने जुपिटर को कैसे डाउनलोड करना है। तो जुपिटर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने सी ड्राइव के अंदर। राइट, तो आपको अपने सी ड्राइव ओपन कर लेना है। यहाँ मैंने सी ड्राइव ओपन किया, यहाँ पे आपको जाना है यूज़र्स के अंदर। ये आपको दिख रहा होगा यूज़र्स को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका एक यूज़र क्रिएटेड होगा, पब्लिक के सिवा एक और यूज़र क्रिएटेड होगा। लाइक आपके केस में आपका नाम हो सकता है, आपके लैपटॉप की कंपनी का नाम हो सकता है, आपके लैपटॉप के ब्रांड का नाम हो सकता है, आपका खुद का नाम हो सकता है। तो मेरे यहाँ पे MKS मोहित था, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। सिंपली आपको इसको ओपन करना है। जैसे इसको ओपन करूँगा तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आपको फाइंड करना है ऐप डेटा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐप डेटा शो नहीं हो रही, तो ये आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको सिंपली करना है व्यू पे क्लिक, देन हिडन आइटम से आपको चेक कर देना है। जैसे आप चेक करोगे ये कुछ फाइल्स हिडन होती है, कुछ फोल्डर्स हिडन होती है। लाइक आप ये देख सकते हैं ऐप डेटा, इसको आपको ओपन करना है। जैसे इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर तीन फोल्डर्स आएंगे। आपको लोकल के अंदर जाना है। लोकल के अंदर जाने के बाद आपको पी टाइप करना है अपने कीबोर्ड पे। पी जैसे ही आप टाइप करोगे तो यहाँ पी लिख के जो भी फर्स्ट फोल्डर है पी नेम से वो आ जाएगा। तो आपको चलना है प्रोग्राम्स के अंदर। तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स नाम का जो एक फोल्डर है उसको ओपन करना है। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, इसको ओपन कर लिया। देन आपको जाना है पाइथन के अंदर। तो पाइथन की फोल्डर आपको दिख जाएगी, इस पर आप डबल क्लिक करोगे। देन जो भी वर्जन आपके पास इंस्टॉल्ड होगा आप सिंपली उस वाले का नाम आप यहाँ पर देख पाओगे। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। देन आपको चलना है स्क्रिप्ट्स के अंदर। स्क्रिप्ट्स नाम का एक फोल्डर होगा, उसको मैं ओपन करूँगा यहाँ पे। देन इस पाथ पे आपको CMD ओपन करनी है। इस पाथ पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे इस पाथ के ऊपर, ऐसे हो जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली टाइप करना है CMD, ये लिखकर आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपकी कमांड प्रॉम्प्ट इस लोकेशन के अंदर ओपन हो जाएगी। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसको, लाइक मैं सिंपली इसको कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, Ctrl+C किया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन कर रखा है, लेकिन आपको मैं फिर से दिखाता हूँ। अगर आपको नॉर्मली CMD खोलना है तो CMD आप ऐसे ओपन कर लोगे, और इस पाथ को कॉपी करके आपको यहाँ पे लिखना है CD स्पेस, और आपको यहाँ पे पाथ पेस्ट कर देनी है। देन एंटर करोगे तो आप सेम पाथ पे वापस से आ जाओगे। राइट, तो यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करना है विच इज़ pip install Jupyter। लिखना है आपको यहाँ पे pip install Jupyter Jupyter, देन एंटर कर देना है। तो ये आपका जुपिटर नोटबुक डाउनलोड करना शुरू कर देगा। तो मेरे पास इंटरनेट स्पीड अच्छी है, तो मेरी डाउनलोड स्पीड थोड़ी सही आ रही है,
आप देख सकते हैं आपके केस में भी ऐसी डाउनलोडिंग होगी, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, 3-4 मिनट के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो पाइथन नोटबुक इंस्टॉल हो गई है, राइट। तो आपकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है जो पाइथन की कंप्लीट। अब यहाँ पे अगर आपको जो पाइथन ओपन करना है तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप करोगे JUPYTERNOTEBOOK जो पाइथन नोटबुक। जैसे आप ये लिख के एंटर करोगे तो आपकी जो पाइथन नोटबुक स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपसे पूछ रहा है फर्स्ट टाइम के लिए आप किस ब्राउज़र में ओपन करना चाहते हो। जैसा कि आप जानते हो कि जो पाइथन जो एक ब्राउज़र बेस्ड IDE है, तो कोई सा ब्राउज़र आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने ये सारे ब्राउज़र्स हैं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे ब्रेव कर रहा हूँ। ब्रेव को मैंने ओपन ओके कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो पाइथन नोटबुक मेरे ब्राउज़र के अंदर ओपन हो गई है, राइट। तो चलते हैं एक छोटा सा कोड करके देखते हैं। तो आपको सिंपली करना है यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी Py3 IPY कर्नल। आप इस पर सिंपली क्लिक करोगे तो एक अनदर टैब में आपके पास ये एक टैब में आपकी जो पाइथन नोटबुक ओपन हो जाएगी। तो ये आपको एक प्लेस दे रखा है कोडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करके कुछ भी प्रिंट करता हूँ मैं। जैसे प्रिंट किया मैंने सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। कंट्रोल एंटर आप कर सकते हो, कंट्रोल एंटर, राइट। तो आप कंट्रोल एंटर करके तो कर ही सकते हो। और मैं यहाँ पे अगर चेंज कर दूँ, अगर आपको नॉर्मली एग्जीक्यूट करना है तो आप सिंपली यहाँ पे आपको रन का एक बटन दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी रन हो जाएगी, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे अपने फाइल की नेम सेव करनी, जैसे मैंने कोई बहुत सारी कोडिंग कर ली, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक ये कोडिंग कर ली, मेरा ये कोड हो गया, मैं चाहता हूँ कि मैं सेव करके एक फाइल में रखूँ, तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले आप नेम दे सकते हैं, तो नेम देने के लिए आपको यहाँ पे अनटाइटल पे क्लिक करना है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट, मैंने नेम दे दिया इसको। तो नेम देने के बाद मैं सिंपली रीनेम कर दूंगा, लाइक रीनेम हो गया ये। अगर आपको सेव करना है तो सेव करने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे। अगर आपको ऐसा एक और टैब खोलना है ऐसा, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो आपके एक यहाँ एक ओपन हो गई, यहाँ एक ओपन हो गई, एक और करोगे तो एक और ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप कोड ब्लॉक बाय ब्लॉक अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो पाइथन बहुत हेल्पफुल होता है। जहाँ पे आप अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि आपके पूरी पाइथन कोड एक साथ ही एग्जीक्यूट हो जाए, तो आप ब्लॉक बाय ब्लॉक अपने कोड को एग्जीक्यूट करके ट्राई कर सकते हो कि आपकी कोड वर्किंग है या नहीं है। या फिर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अपने पाइथन प्लस डेटाबेस की कोडिंग करने के लिए, मैं जो पाइथन यूज़ कर रहा हूँ अभी, मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी कि आप पाइथन के साथ अपने डेटाबेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो उसकी वीडियो भी की लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी के लिए मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास VS कोड है ऑलरेडी, तो इसमें आप अगर डेटाबेस की कोडिंग करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप VS कोड के अंदर पूरी कोड एक साथ ही एग्जीक्यूट हो जाती है, राइट। तो आपको अपने हर पुराने कोड को एक बार कमेंट आउट करना पड़ता है, फिर नए कोड को लिख के उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो टेंशन नहीं होगी, यहाँ पे मैं हर ब्लॉक के अंदर अपनी अलग अलग क्वेरीज रन कर पाऊँगा, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ आप सेव कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैंने स्लिप सेव पे क्लिक करना है, तो आपको दिख रहा है सेव हो गया। तो कहाँ हुआ ये सेव, ये आपको देखने के लिए चलना होगा अपने उसके अंदर। तो आप अपने पिछले वाले टैब के अंदर जाओगे, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं first.ipynb ये सेव हो चुकी है, राइट। आप देख सकते हैं कि ये जो सेव किया मैंने यहाँ पे, ये सेम फाइल यहाँ पे सेव हो गई। तो ये आप देख सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है हमारी, यहाँ जो हमने यहाँ पे जो पाइथन को इंस्टॉल किया था, ये वहीं पे सेव हो गई हमारी फाइल। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और फोल्डर के अंदर अपनी पाइथन की फाइल सेव करूँ, तो मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको। लाइक मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, नेम मैं दे देता हूँ एज पाइथन, राइट। मैंने डेस्कटॉप के अंदर अपनी एक पाइथन नाम की फोल्डर क्रिएट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी कोडिंग करूँ उसकी फाइल इसके अंदर सेव हो, मतलब इस वाले फोल्डर के अंदर सेव हो। तो जैसा कि मैंने अपने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर क्रिएट कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी नई कोडिंग करूँ और जो भी नई फाइल बनाऊँ, मैं उसके अंदर सेव करूँ। उसके लिए मैं सिंपली इसको पहले क्लोज कर सकता हूँ, राइट। मैंने जो पाइथन क्लोज कर दिया, दिन जो मेरे टर्मिनल में जो पाइथन रन हो रही थी, मैं बताता हूँ कि टर्मिनल में कैसे रन होती है। तो जब तक ये टर्मिनल आपकी ओपन रहेगी, तब तक आपकी जो पाइथन नोटबुक का जो कर्नल है वो चलता रहेगा, राइट। तो एक चीज़ मैं और बताता हूँ, अगर आपको जैसे मैं अभी अपने इस ब्राउज़र के अंदर कोडिंग कर रहा था, लेकिन मैंने टैब क्लोज कर दिया, मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं जो पाइथन नोटबुक को अपने टैब के अंदर ओपन करूँ, तो उसकी लिंक यहाँ पे आपको मिलती है। एक लोकल होस्ट क्रिएट होता है, राइट,
आप यहाँ देख सकते हैं ये लोकल होस्ट क्रिएट हुआ है। आपको सिंपली इसको कॉपी करना है, जैसे आप राइट क्लिक करोगे अपने माउस का, राइट क्लिक करके कॉपी करना है। आप कंट्रोल सी करके कॉपी मत करना, क्योंकि अगर आप कंट्रोल सी करोगे तो ये जो कर्नल है आपकी जो बैटर की वो स्टॉप हो जाएगी। तो मैंने इसको सिंपली ऐसे कॉपी इसको सेलेक्ट किया, मैंने माउस से ड्रैग करके राइट क्लिक किया अपने माउस का, देन मैं आ गया अपने ब्रेव के अंदर, देन कंट्रोल वी किया, मैंने एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ से मैंने बंद किया था वहीं से ओपन हो गया है। तो मैंने ये फाइल क्रिएट करी थी, जैसा कि आपको याद होगा, first.ipynb, इसको मैंने ओपन किया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी कोडिंग करी थी वो यहाँ पे सेव्ड है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप मैं चाहता हूँ कि मैं ओपन करूँ अपने उस वाले फोल्डर के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली इसको क्लोज कर दूंगा, इसको मैं सिंपली यहाँ पे इससे क्लोज कर दूंगा। देन मैं क्या करूँगा, इस लोकेशन के अंदर मैं अपनी जो बाइटर ओपन करूँगा वो कैसे होगा, तो मैं सिंपली इस फोल्डर को ओपन करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे cmd ओपन करूँगा, देन यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूँगा jupy Jupyter नोटबुक करके एंटर कर दूँगा, राइट। तो ये आप देख सकते हैं कि Jupyter नोटबुक ओपन हो गई। तो यहाँ पे करेंटली एम्प्टी फोल्डर है ये, इसलिए यहाँ पे आपको इस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल्स नहीं दिख रही। तो आपको नया फाइल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सिंपली न्यू पे क्लिक करना है, देन पाइथन 3 पे क्लिक करना है, देन आपकी ये ब्लॉक ओपन हो गई। यहाँ पे अब मैं कुछ भी लिखता हूँ, लाइक प्रिंट में कुछ भी करता हूँ, मैं करता हूँ 2+3 और मैंने इसको रन करना है। तो 2+3=5 आंसर हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको नेम दे देता हूँ, लाइक मैं इसको दे रहा हूँ नाम मैथ्स नाम देके मैंने रीनेम कर देना है। देन मैं जैसे ही सेव करूँगा इसको, मैंने सेव किया, अब मैं लेके चलता हूँ आपको जो मैंने फोल्डर क्रिएट करी थी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं डेस्कटॉप, ये पाइथन नाम की फोल्डर है और इसके अंदर मेरी ये मैथ नाम की फाइल है। तो अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम आप ओपन करो इसी फाइल को, तो वो कैसे करोगे, तो मैं आपको सिंपल स्टेप बताता हूँ। अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर फाइल डायरेक्टरीज ओपन करने आती है तो बहुत ईजी है आपके लिए। आप यहाँ पे सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, देन मैं cd करके अपने डेस्कटॉप पे चले जाऊँगा, cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मैं आ गया। अब मैं यहाँ पे टाइप करूँगा cd पाइथन। अब मैं अपने इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी आ चुका हूँ, राइट, मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं Jupyter नोटबुक ओपन कर लूँगा, Jupyter जैसे एंटर करूँगा तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी मेरी Jupyter। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये math.ipynb ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं इसको ओपन करूँगा, आप देख सकते हैं कि मेरी जो भी मैंने कोडिंग करी थी वो यहाँ पे आ गई है। तो आपको जब भी नेक्स्ट टाइम अगर Jupyter ओपन करनी है, तो आपको जिस भी लोकेशन के अंदर Jupyter ओपन करनी है आप उस लोकेशन पे जाओगे, सिंपली cmd ओपन करोगे। सबसे सिंपल ट्रिक है कि आप जिस लोकेशन में आपको कोडिंग करनी है उस लोकेशन में ही आप ऑलरेडी cmd टाइप करो, और यहाँ पर सिंपली jupyt Jupyter नोटबुक टाइप करके एंटर कर दो, तो आपकी Jupyter नोटबुक उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ओपन हो जाएगी। और आप इसको सेलेक्ट करोगे और आपकी ये कोडिंग स्टार्ट कर देगा, राइट। तो कर्नल आपका रेडी हो गया है, आप यहाँ पे कोई भी कोडिंग कर सकते हो। लाइक मैं एक और ब्लॉक चाहता हूँ, तो ये मैंने एक ब्लॉक लिखा, यहाँ पे प्रिंट मैं कर दूंगा कुछ और, प्रिंट 66-22-44 कुछ भी लिख दिया मैंने, 666+-44, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो 622 आ गया। तो ऐसे आप अपने Jupyter नोटबुक को यूज़ कर सकते हो, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक सिंपल सा इंस्टॉलेशन था Jupyter का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है Jupyter नोटबुक को इंस्टॉल करने से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कोई भी इश्यू मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।